अर्थव्यवस्था है जिसको मोदी ने यहाँ से यहाँ ला दिया, वो जो हमारी अर्थव्यवस्था जीडीपी है ना, वो किसान के कंधों पर निर्भर करती है। हमारे गले में फांसी का बंधा डाला जा रहा है, 2 साल तक हमारे को सुविधाएं देकर फिर हमारे को जिंदगी भर लूटेंगे। मोदी साहब, पैसा आपने लिया है उनको हिसाब आप दो, हम अपनी खेती नहीं बिकने देंगे, अपनी जमीन नहीं बिकने देंगे, अपनी माँ के साथ सौदा नहीं होने देंगे। मित्रों, घर बैठ के आप लोगों को अमीर होना है तो अपना घर ही बेच दो। मेरा खट्टर सरकार मेरी खटारा, ईवीएम को और बना जो ढूंढ बेखवा दूं अठारा, आप वहां जाकर बिरयानी खाओ ठीक, हम अपने यहाँ बैठ कर अगर पीजे बर्गर खाएं तो गलत। 10-10 लाख रुपए के एक दिन में 6 सूट, और हमारे बड़े बुजुर्ग अगर धोती कुर्ता पहन ले तो हमारी बार से फंडिंग। पहला टीका लगाओ मोदी को, दूसरा लगाओ योगी को, तीसरा लगाओ कानिया को, और चौथा लगाओ उस मुकेश बनिया को। टिकरी बॉर्डर पर हमारे साथ समाज सेवी है हर्ष चितकारा, और हम इनसे बात करते हैं कि ये कैसे सोचते हैं फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के। सर, फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के जिस तरह से गोदी मीडिया में और खास तौर से जो सत्ताधारी दल के नेता हैं वो अलग अलग बातें कर रहे हैं कि ये तो फार्मर्स नहीं है, नकली है, ये है वो है, तमाम तरह की, आप कैसे देखते हैं और इनको क्या जवाब देंगे? देखिए, सरकार का काम होता है कीचड़ उछालना, सरकार का काम होता है अपने आप को अच्छा दिखाना, अच्छा बताना। सरकार अच्छी किन की नज़रों में बनी हुई है? जो इनकी गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया के पास इनका पहले से ही फंडिंग हो रखी है, फंडिंग 2024 तक के चुनाव की हो रखी है कि भाई 24 तक का जो चुनाव है उस चुनाव तक की जो भी पेमेंट आप लोगों की बनती है वो आप लोग, वो पेमेंट उनको दे के उनके गले में हमारे मोदी साहब ने पट्टा डाल रखा है। जैसे ही वो उनका पट्टा हिलाएंगे वो ऐसे ही भोकेंगे, उनका काम भोकते रहना। वही हमारे को आतंकवादी बता रहे हैं, वही हमारे को बदनाम कर रहे हैं, वही हमारे भी उंगलियां उठा रहे हैं। अब एक नॉर्मल ही बात सोच के देखिए आप, उस तरफ जो हमारी हिफाजत के लिए या सरकार की हिफाजत के लिए जो बेटा खड़ा है, वो जवान, वो किसका बेटा है? वो किसान का बेटा है, किसी नेता मंत्री एमएलए का नहीं। हरियाणा और पंजाब सिर्फ अगर 2 स्टेटों के अंदर आप जाओगे, 6,000 परिवार ऐसे हैं, 6,000 परिवार ऐसे हैं जिनके बेटे वहां कवारे बेटे कम उम्र में 18, 19, 20, 21, 22 साल की उम्र में हमारे देश के लिए अपनी शहादत देकर हमेशा हमेशा के लिए विलीन हो गए, शहीद हो गए, और वे 6,000 परिवार बर्बाद हो गए क्योंकि उनकी वंश बेल चलाने वाला के कोई नहीं था। जब अकेले हरियाणा पंजाब का इतिहास बता रहा हूं मैं आपको, राजस्थान में और बड़े हैं, राजस्थान में बहुत ज्यादा, अगर आप जाओगे हर घर से फौजी निकलता है। हमारा बेटा फौजी है, हमारा भाई फौजी है, हम ही देश के आतंकवादी हो गए। यानी कि जो देश की सुरक्षा में दिन रात अपने बच्चों को अपने बेटों को भेजता है, क्या आज वही किसान को आतंकवादी हो गई? जिस समय ये हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब यहाँ हरियाणा के अंदर आए थे, हरियाणा के अंदर उस समय तो ये कह रहे थे हरियाणा का आदमी सबसे बहादुर है, हरियाणा ने बॉर्डर के लिए देश के लिए इतनी कुर्बानियां दी है, अब वही आदमी आतंकवादी हो गया, आतंकवादी दिखाई देने लग गया। हमारे बेटे हमारे बच्चे कम उम्र में जो 10, 11, 12 साल की उम्र होती है ना, सड़कों पर 4 बजे उठकर तैयारियां कर देते हैं, मां बड़ा होकर फौजी बनूंगा और देश की रक्षा करूंगा। हमारा पिता, हमारे काका, हमारे ताऊ, हमारे पूर्वज सुबह 4 बजे जल्दी उठकर खेतों में जाते हैं, अन्न पैदा करते हैं, उस अन्न को ये गोदी मीडिया, ये गोदी के कुत्ते और ये सारे नेता मंत्री एमएलए सबके सब उसी अन्न को खाते हैं। अगर इनको यही किसान आतंकवादी लगता है तो अपना असल में इनके पास है ही क्या? ये तो बिरयानी खाने के लिए पाकिस्तान चले जाते हैं, ये तो सही पता होगा आपको, वहां तो केक काटने के लिए श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब केक काटने के लिए जाते हैं पाकिस्तान में, सबके सामने है ये, और हम इनको आतंकवादी नजर आते हैं जब अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। अगर हक के लिए आवाज उठाना आतंकवादी है तो इसका मतलब तो पूरा भारत देश आतंकवादी है, क्योंकि भारत देश के अंदर 80% आदमी खेती करते हैं, खेती से ताल्लुकात रखते हैं, खेती से जुड़े हुए हैं। भारत देश की जो जीडीपी है, जिससे देश चलता है, जो अर्थव्यवस्था है जिसको मोदी ने यहां से यहां ला दिया, वो जो हमारी अर्थव्यवस्था जीडीपी है ना, वो किसान के कंधों पर निर्भर करती है। किसान एक ऐसी कौम है, किसान एक ऐसा भगवान है जो पूरे भारत देश का नहीं पूरे विश्व का पेट भरता है। किसान वो किसान है जो जीडीपी में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी देता है, जिससे ये नेता मंत्री खाकर घूस खा कर अपने पेट को यहां से यहां पहुंचा देते हैं, अपनी बड़ी बड़ी कोठियां बनाते हैं,
सोचने की बात कभी मीडिया वालों ने सोचा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक विधायक की तनख्वाह 2 से 3 लाख रुपए है, एक विधायक 5 साल के नाम का बनता है, कई हजार करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जोड़ लेता है, कई हजार करोड़ रुपए की फंडिंग कर लेता है, उसका लड़का विदेशों में पढ़ने के लिए जाता है और सड़ा आतंकवादी हम। सरकारी स्कूल अस्पताल खोल रखे हैं, किसी भी सरकारी स्कूल में जाकर देख लेना, कोई गरीब बच्चा भी पढ़ने नहीं जाता क्योंकि स्कूलों की हालत खराब है। किसी भी आप अस्पताल में जाकर देख लेना, किसी का भी इलाज नहीं होता, वहां से ही गिरे रहते क्योंकि सब कुछ लूट कर खा लिया इन लोगों ने। आपको पता है अगर प्राइवेट अस्पताल नहीं होते, सरकारी अस्पतालों में सभी सुविधाएं होती। जैसे प्राइवेट अस्पताल आए उन्होंने फैसिलिटी बहुत ज्यादा दे दी, फैसिलिटी देते ही सरकारी अस्पताल बंद हो गए। ऐसे ही जब सरकारी स्कूल है यहाँ, प्राइवेट जो स्कूल ये लेके आए हैं, प्राइवेट स्कूलों में इतनी फैसिलिटी दे दी, सरकारी स्कूलों में आदमियों ने जाना बंद कर दिया। सेम यही काम अब हमारे साथ सरकार करने जा रही है। जो अंबानी और अडानी है वे हमारे को आने वाले 2 साल में इतनी फैसिलिटियां दे देंगे, इतनी फैसिलिटियां दे देंगे सरकार हमारे को, ये दिखा देगी देखा। इसीलिए यही काले कानून जिनको आप लोग बोल रहे हो, ये कानून इसीलिए लेकर आए थे, किसान कितने खुश हैं। उसके बाद क्या होगा, सभी मंडियां बंद हो जाएंगी, सारी चीजें बंद हो जाएंगी, किसानों के यहाँ से हाथ कट जाएंगे, हमारे पास कोई चारा नहीं होगा भागने का, हमारे ऊपर शिकंजा जब कसा जाएगा ना, 2 साल तक हमारे को सुविधाएं देकर फिर हमारे को जिंदगी भर लूटेंगे। जियो, जियो जो एक अंबानी जी का नेटवर्क कंपनी है, जियो के फोन है, जियो की सिम है, वे हमारे बीच आई कितने साल पहले आई थी, शायद मेरे हिसाब से 2016 में आई होंगी, 4 साल ही हुए होंगे। जब जियो हमारे बीच में आई ना, जियो में फ्री नेट, फ्री कॉलिंग, फ्री बात, फ्री सुविधाएं दे दी सारी, कितने दिन, 1 साल। 1 साल में हमारी जो सरकारी कंपनी है BSNL, उसका भट्ठा गोल हो गया, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, सब कुछ बंद कर दिया अकेली जियो ने। जब सबके बस्ते बंद हो गए, अंबानी जो बड़ा बिजनेसमैन है उसने उसी टाइम नेट को भी पैसों में कर दिया, कॉल को भी पैसों में कर दिया, क्योंकि घर 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 जियो के नंबर हो गए। अब ऐसा तो कोई हो नहीं सकता है जिसने नंबर ले लिया उसको तोड़ के फेंक देगा। आपके पिताजी का नाम मैंने सतबीर रख दिया, ऐसा तो है नहीं कागजों में आपने सतबीर लिखवा लिया तो आप उसको बदल दोगे, क्योंकि वो तो हो चुका। सेम ऐसे ही हमारा नंबर जब सबके पास बट चुका है तो हम उस नंबर को तोड़ के नहीं फेंकेंगे। अब वही इंसान हर 3 महीने में हमारे से 600 रुपए लेने लग गया, यही काम ये अब करेंगे। एक बात सोच के देखो, पूरे हरियाणा के अंदर आम, अमरूद, टमाटर, खीरे, कुछ भी ले लो, सब कुछ मैं सबसे खरीद लेता हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मेरा बहुत बड़ा जुगाड़ है, मेरा बहुत बड़ा स्टोर है। मैंने आप सबसे जितने भी यहां मेरे काका ताऊ खड़े हैं इनकी खेती सारी मन्न खरीद ली और मन्न खरीद कर उनको स्टॉक कर लिया 6 महीने के नाम का, नहीं देता मैं तो मेरी मर्जी। अब जब मैं सबके खरीद रहा हूं, मेरे पास तो उनको रखने के लिए व्यवस्था है, मैंने उनको अपने पास रख लिया, अकेले प्याज को मैंने अपने पास रख लिया आप सबसे स्टॉक करके, मैंने इनसे प्याज खरीदा है 5 रुपए किलो में, 6 महीने तक मैं प्याज नहीं बेचता, 6 महीने बाद वही प्याज लोगों की रसोई तक पहुंचेगा, मैं अपने प्याज को 100 रुपए किलो बेचूंगा और ये सब लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि इनके पास है ही नहीं और कहीं से, इनकी मजबूरी बन जाएगी, कोई रास्ता ही नहीं है, इनकी मजबूरी बन जाएगी, तो ये हमारे गले में फांसी का फंदा डाला जा रहा है। और जो मूर्ख इंसान है मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप आगे खोल कर देखो, किसान ना तो आज तक मरा है ना किसान आगे मरेगा, क्योंकि किसान वो है सुबह उठते ही 4 बजे मेहनत करनी शुरू कर देता, रात के 11 बजे तक मेहनत करता है। किसान की ना ही तो कोई छुट्टी होती, किसान का ना ही कोई त्योहार होता, किसान के ना ही कोई आगे होता, किसान के ना ही कोई पीछे होता। एक गेहूं की फसल को तैयार करने में 120 दिन लगते हैं, 120 दिन लगातार उनकी देखभाल करना, पानी देना, उन पर खाद देना, बीज देना, उन पर खर्चा करना, तेल फूकना, उनकी देखभाल करना, एक बार आसमान बरसता है सारी खेती नष्ट, किसान अपनी छाती में मुक्का मार गए, सोच लेता कोई नहीं अगली बार हम तो फिर देख लेंगे, हमारी जमीन अगली बार फिर तैयार हो जाएगी, अगली बार फिर होता है, फिर सरकार बाहु में हमें जान से मार देती है। सोचने की बात यह है, आज तक कभी किसी ने किसानों के बारे में सोचा है? 1991-92 के दौरान एक भारत देश का प्रधानमंत्री कुछ टाइम के लिए बना था जिसका नाम था चंद्रशेखर,
उसका कहना था, उसने एक बात कही थी, आप जैसे पत्रकार ने उससे सवाल किया, नेताजी अब आप किसानों के लिए क्या भला करोगे? वो कैमरे के सामने बोला मैं कुछ भी भला नहीं करूंगा। तो उससे पूछा, भारत देश के प्रधानमंत्री हो, बनने से पहले तो ये कह रहे थे हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, अब आप सीधा मना कर रहे हो। ये बोला फर्क सिर्फ इतना है, मैंने कैमरे के सामने मना किया है, बाकी जितने प्रधानमंत्री बने हुए कैमरे के पीछे मना करते हैं। क्योंकि अगर किसानों का भला कर दिया, अगर किसान अमीर हो गया, हमारे झंडे कौन उठाएगा, हमारी पार्टियों की नारेबाजी कौन करेगा? इनको दुख इस बात का है, कहीं किसान आज किसान पुत्र, किसान के बेटे, किसान के बच्चे पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, ऊंची ऊंची पोस्टों पर हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, इनको ये सोच रहे हैं अगर किसान कौम ऐसे ही आगे बढ़ती रही, कहीं भारत देश के प्रधानमंत्री आने वाले समय में यही ना बन जाए। इनका काम है जो किसान आगे बढ़ रहा उसकी बेल को काटना। लेकिन हम जागरूक हो चुके हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग काका ताऊ दादा सब आपके चारों तरफ तक खड़े हैं, ना ही तो किसान पहले झुका था ना ही किसान अब झुकेगा। मोदी साहब को ये दिखा देंगे किसान क्या चीज है, अपना हक लेके रहेंगे। क्योंकि ये जो लूट मार मचा रखी है ना मोदी साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपने बड़े बड़े स्टोर बनाने के लिए अंबानी से पैसे लिए होंगे, अडानी से पैसे लिए होंगे, हम क्या करें? पैसा आपने लिया है, उनको हिसाब आप दो। हम अपनी खेती नहीं बिकने देंगे, अपनी जमीन नहीं बिकने देंगे, अपनी माँ के साथ सौदा नहीं होने देंगे। जो तीन काले कानून है उनको वापिस लेकर रहेंगे, उनको वापिस देंगे और ये वापिस करेंगे, ये गारंटी आप देख लेना। आप भी यही हूं, मैं भी यही हूं, आने वाले समय में 100% वापिस देंगे। तो बहाना ढूंढ रहे हैं, को बिचौलिया मिल जा, जोकर छोरे छोरी का ब्याह नहीं हो आगे बिगड़ जा, बिचौलिए न पकड़ेंगे, यो किसा रिश्ता करा रहे है, वो एक काम हो रहा है, बिचौलिया ढूंढल ना गिर, किसा रिश्ता करा लिया, पर ये तो ये लाठी ठा रहे हैं ऊपर, ये तो मोदी झुक गया, उसकी बेइज्जती हो जाएगी, उसकी अकड़ टूट जाएगी, वो तो अपनी अकड़ मर रहे है, उसने तो किसी चीज से मतलब नहीं, उससे बड़ा झूठा मन कहीं भी नहीं देखा। वो ये कह रहा है 1957 में मैं 2 रुपए की चाय बेचता था। सोच के देखो, मरे बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, 80 साल का ताऊ मेरा, मेरे ताऊ तो पूछ के देखो 1957 में देसी घी 2 रुपए किलो था, इसका मतलब तो तू तो चप्पी लूट क्या करता लोगों ने, एक चाय 1 किलो घी में दिया करता। दूसरी बात, उसकी बात सुन के देखना, मैंने बहुत गरीबी देखी है, मेरे पास स्कूटर था, खुद कह रहा है उस टाइम पर स्कूटर था, 4 ग्रेजुएट इसके भाई थे पढ़े लिखे, मोदी साहब भी एमए कर रहे नहीं बताओ तो आपको, ग्रेजुएट यानी कि 4 पढ़े लिखे आदमी, अगला ही जुमला होता मेरी माँ मित्रों उस समय पे बर्तन धोती थी, अरे मूर्ख आदमी का तो तुम पागल थे, जब जिनके घर में 4 पढ़े लिखे उस टाइम पे, हमने तो न्यू सुनी मारे था दर बताया करते, 5वीं पास फौज में लग जाए था, 5वीं पास नौकरी मिल जाया करती, यो एमए कर कभी माँ बर्तन धोवान लग रहा, ये पाखंड है जुमले हैं और कुछ नहीं, जुमलों से अलग इसने कुछ नहीं आया। अब भी आती है एड मित्रों, थोड़ी देर में देखना आप, आने वाले 1 साल में एड आने लग जाएगी मित्रों। अगर अमीर होना है, घर बैठ के आप लोगों को अमीर होना है तो अपना घर ही बेच दो। देखिए ये क्या है, यो झूठेबाज डोंगी फरेबी पर्यंत, यो हमारा खट्टर साहब, आपको पता होगा पूरे भारत देश के सीएम में सब तो बूढ़ा यो बताया है, इसका तो सीधा एक कहना है, नाम मेरा खट्टर, सरकार मेरी खटारा, ईवीएम को और बना दो, ढूंढ बेकवा दो थारा, इन्हें कर दिया मारा नाश, इन्हें कोई काम नहीं। और अब हम जागरूक हो चुके, हम अनपढ़ नहीं है, हमारे घर के बाहर आगे वोट मांग के चले गए, चुनाव आने दो इनको ये बता देंगे किसान क्या है। और दूसरी बात, आप लोगों के सामने ये हक लेकर रहेंगे, इस बात को नोट कर लेना, और जो गोदी मीडिया उस तक पहुंचाने का काम करना। ये मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं, ना ही मैं कोई, मैं एक किसान परिवार से किसान का बेटा हूं, मैं इसलिए आपको ये बातें बता रहा हूं। अगर जमीनी सत्र पर जाके देखोगे, मेरे 1 इंच भी जमीन बांटे नहीं आती, मेरा कोई खेत नहीं है, लेकिन मैं जो अन्न खाता हूं ना, वो किसान के घर से आता है, किसान उसको पैदा करता है, मैं इसलिए यहां आया हुआ हूं। अगर मैं भी ये सोचने लग जाऊं तेरे खेती है नहीं है तू क्यों जा रहा है, ये सोचो जो हमारी प्लेट में जो रोटी आती है ना, उसको बनाने में पकाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। किसान अपने बेटे से ज्यादा अपनी फसल का ख्याल रखता है, और जब हमारे तक पहुंचाता है उसी अन्न को ये खाकर हमारे को गालियां बकते हैं, शर्म की बात।
आप भी मानते हो इस बात को? अगर इसी अलग आपका कोई सवाल जवाब हो तो बता दो। कहते हैं कि ये तो पिज्जा खा रहे हैं, ये तो बर्गर खा रहे हैं, ये तो किसान ही नहीं है। देखो वो हमारी किस्मत है, आप भी आ जाओ, आपको भी खिला देंगे, आके तो देखो आपको भी खिला देंगे, हमारी मर्जी, हम कुछ भी खाए। आप कौन होते हो हमारे को रोकने वाले? आप वहां जाकर बिरयानी खाओ, ठीक है, हम अपने यहाँ बैठ कर अगर पीजे बर्गर खाए तो गलत। बिरयानी पे याद है, इनके एक बीजेपी के नेता ने कहा है कि ऐसा है कि बर्ड फ्लू बहुत फैल रहा है और ये बर्ड फ्लू फैलाने के लिए जो है ये चिकन बिरयानी खा रहे किसान, हालांकि हमने भी चिकन बिरयानी नहीं देखी। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा हो सकता है कि मैं एड्स की बीमारी फैलाने के लिए अपना लगवा लूं? हो सकता है ऐसा, कोई अपनी बलि दे दे? ये तो मूर्ख से मूर्ख इंसान भी समझता। अब नई बीमारी लेके आए हैं, ये कोरोना रोकने की क्या आई है रवा? वैक्सीन। पहला टीका लगाओ मोदी को, दूसरा लगाओ योगी को, तीसरा लगाओ कनिया को, और चौथा लगाओ उस मुकेश बनिया को। यहाँ ये मत फैलाओ, क्या कोरोना परोना है? पूरे कोरोना में हम घूमे भाई, हमारे को पता है, हमारे को तो कोई बीमारी नहीं लगी। हमारे बुजुर्ग इनके लाल लाल सर आज भी रहे, कौन सी बीमारी भाई इनकी? आड़े इतने मानस बैठे कि इसका कोरोना है? ये सिर्फ भारत देश को लूटने का एक बहुत ही ऊंचा एजेंडा है। अगर आंकड़ों पर जाओगे, आज तक इससे पहले 14 प्रधानमंत्री बने हैं, 14 प्रधानमंत्रियों ने टोटल मिलाकर भारत देश तक 84 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। कितना? 84 लाख करोड़ रुपए का। इस भूपा ने एक लेना 7 साल में तो डबल ले लिया, 164 लाख करोड़ रुपया का। और क्यों कोरोना करेगा हमारा रेवेन्यू तो बता दो। इसका तो काम ये है, इसकी हर एक चीज में लोभ है। उसको एक फोटो में देखा मैंने, मोर को वो खिला रहा है, छोटा मोर था, उसको टुकड़े रोटी। मोर भी बेचारा मन तो ये कह रहा होगा आज रोटी खवा हुआ है, इस मारे खवाओ लोभ में, बेटा जल्दी बटा हो जाता, बटा कर और महंगा बेचूंगा। इसने और कुछ नहीं, इसने सिर्फ लोभ और लालच, इन्होंने देश का नाश करके धर दिया, इन्होंने वो सर्वनाश कर दिया है, सारी चीजें प्राइवेट कर दिया। आपको पता होगा किसी एयरपोर्ट के बाहर जाना हमें गर्व होता था, जब एयरपोर्ट जो होते थे वो हमारे होते थे। आज एयरपोर्ट हमारे नहीं है, एयरपोर्ट भी अंबानी और अडानी के हैं, वो भी बेच दिए। आपको पता होगा रेल बेच दी, इतनी बड़ी चीज वो लेके आ रहा था, क्या बुलेट ट्रेन, पता नहीं साहब जी का कैसे यू टर्न घूम गया, रेली बेच दी। बोला छोटो टंटा ये खत्म करो, रेल रखनी क्यों है, इतनी बड़ी चीज की कौन संभाल करेगा। ये है सौदागर। एक बात कहता था, मेरा क्या है, झोला उठाऊंगा और चला जाऊंगा। इसने तो जाना है हमारी माँ गोटनी, और कोई काम नहीं, सब क्या इन जोड़े में गाल गए और ले गए लकड़न ला गिर आयो, खाओ भी नहीं, ना के माँ गए ना के मैं पीछे। कोई वंश बेल हो कुछ पैदा कर रहे क्या हो तो पता लगे ना, घर कैसे चलता है घर का तो पता नहीं। साहब जी अपने आप को गरीब बताते हैं, 10-10 लाख रुपए के एक दिन में 6 सूट बदलते हैं, 10-10 लाख रुपए के एक दिन में 6 सूट। और हमारे बड़े बुजुर्ग अगर धोती कुर्ता पहन ले तो हमारी बाहर से फंडिंग। वाह मोदी साहब, हमेशा ये हमारे बीच पाखंड लेके आया, हमने कोई भी पाखंड कामयाब नहीं होने दिया। आपको पता होगा अभी इन्होंने एक दिन की भूख हड़ताल की थी भारतीय जुमला पार्टी के नेताओं ने, किस चीज के लिए? SYL का पानी पंजाब वालों से लेकर हरियाणा में आएंगे। वो इनका क्या था, हरियाणा पंजाब के दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो जाए। अब इस सवाल का जवाब मैं देता हूं, मोदी साहब आप 2014 में हरियाणा के रेवाड़ी में रैली करने के लिए आए थे, जिसमें इन्होंने दो मुद्दे बताए थे। मुद्दा नंबर एक, जितने जो अर्ध सैनिक बल के फौजी हैं उनकी पेंशन लागू हो। आप प्रधानमंत्री बन गए, 7 साल हो गए हैं, आप ही का सवाल था, आप ही का जवाब दे दो, उनकी पेंशन कब लागू करोगे? बात नंबर दो, इन्होंने कहा था पाकिस्तान जाने वाला पानी मैं हरियाणा लेकर आऊंगा। मोदी साहब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जो आप पाकिस्तान वाला पानी जा रहा है ना उसको रोक के पंजाब ले आओ। SYL का पानी पंजाब में, पानी इतना ज्यादा हो जाएगा हमें अपने आप मिल जाएगा। कुछ करके दिखाओ, बहाने मत बनाओ, ये है सिर्फ बहाने बनाना और कुछ नहीं। अगर और कोई सवाल हो तो बताओ। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया, ने हमारे लिए इतना समय निकाला, गोदी वोदी मीडिया को छोड़कर अपने भाइयों को आगे बढ़ाए ताकि ये किसानों की बातों को आगे बढ़ा सके। क्योंकि आप लोगों को पता है मीडिया चौथा स्तंभ होती, वो मीडिया नहीं, वो गोदी मीडिया वो नहीं, वो है गोदी मीडिया। जो गोदी में बैठ के इंटरव्यू लेती वो काहे की मीडिया है? जो मेरे साथी सच्चे रियल पत्रकार हैं, किसानों की जवानों की आवाज उठाते हैं, देश की भलाई की बात करते हैं, इनके चैनलों को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। आप घर बैठकर भी आंदोलन लड़ सकते हो,
जो यहाँ नहीं आ सकते, जो हमारे भाई नौकरी लगे हुए वो घर बैठकर वीडियो देखें, आगे फैलाने का काम करें, किसानों की सोशल मीडिया बने। सभी साथियों का हर्ष छकारा की तरफ से धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।